दोस्तों, ये है मोटो G5S+ और ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है और इन्हीं कमियों को आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और टेक मॉनिटर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम है मोटो के साथ वो है, इसमें किसी भी तरह का स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी और अगर आप इस फ़ोन को उस स्मार्ट टीवी के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं और स्क्रीन को उस स्मार्ट टीवी के स्क्रीन में अगर आप देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या फिर इसे मिरर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस स्मार्टफोन के साथ ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन ही यूज़ नहीं करते हैं तो ये आपके लिए उतना प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जो अपने स्मार्टफोन के साथ स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरी प्रॉब्लम वो है इसके ऐप लॉक को लेकर। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर तो दिया गया, लेकिन इसे आप सिर्फ फ़ोन के ही अनलॉक या लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितने भी ऐप हैं इन ऐप्स को आप लॉक नहीं कर पाएंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर के मदद से। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से एक कोई भी ऐप लॉक डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जितने भी ऐप लॉक आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में उनमें दुनिया भर का एड्स आते रहेगा और वो आपको इरिटेट करते रहेगा। दोस्तों, इसमें जो तीसरी प्रॉब्लम वो है इसका रिंगटोन को लेके। अभी ये स्मार्टफोन में जो भी रिंगटोन इसमें पहले से ही है उसी रिंगटोन का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना कोई मनपसंद रिंगटोन यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन में वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, उसका भी एक जुगाड़ है, एक दो तरीके उसे करने के, उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, तो आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बाय डिफॉल्ट अगर ये ऑप्शन इसमें दे देते हैं तो काफी अच्छा होता। दोस्तों, यहाँ पे जो चौथा प्रॉब्लम वो है इसके कंपास सेंसर को लेकर। इस स्मार्टफोन में किसी भी तरह का कंपास सेंसर दिया नहीं गया और मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि 16,000 के प्राइस में ये स्मार्टफोन आता है, इसमें उन्होंने कंपास सेंसर नहीं दिया और ये क्यों, किस लिए स्किप किया, इसका भी किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं है। अभी मैंने इस स्मार्टफोन को यूज़ करके इसमें गूगल मैप्स को यूज़ किया, काफ़ी अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन जैसे ही अगर आप जब तक अपने गाड़ी को चला रहे हैं तब तक ये अच्छी तरह काम करता है, लेकिन जैसे ही आप अपने गाड़ी को रोक देते हैं उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंपास सेंसर यहाँ अगर दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों, यहाँ पर जो पाँचवा प्रॉब्लम वो है इसके LED नोटिफिकेशन के साथ। इस स्मार्टफोन में किसी भी तरह का LED नोटिफिकेशन दिया नहीं गया है। मोटोरोला कहता है कि इसमें मोटो डिस्प्ले दिया है, तो जब भी आप अभी जैसे कि स्मार्टफोन आइडल है, जैसे आप इसे उठाएंगे तो ये आपको यहाँ पे बता देगा जो भी नोटिफिकेशन आया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मोटोरोला जबरदस्ती क्यों कर रहा है यहाँ पे कि आप मोटो डिस्प्ले के ही यूज़ करें। आप इसमें अगर नोटिफिकेशन LED दे देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता। उसमें होता है क्या दोस्तों, अभी ये फ़ोन ऐसे आइडल है, अगर कोई मैसेज अगर आएगा तो एक बार ये फ़ोन डिस्प्ले करेगा उस मैसेज को और उसके बाद ये डिस्प्ले जो है वो बंद हो जाएगा। अब जब तक आप अपने स्मार्टफोन को इस तरह से हाथ में उठा के देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरह का नोटिफिकेशन आया है। लेकिन वही अगर इसमें LED नोटिफिकेशन दे तो और अगर आपका फोन इस तरह आइडल भी पड़ा हुआ है तो भी वो ब्लिंक करता है और आपको बहुत ही आराम से पता चल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो छठा प्रॉब्लम है वो है इसके ऐप क्लोन को लेके। इस स्मार्टफोन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे आप इसमें दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक या दो मैसेंजर ऐसा चला पाए। आजकल काफ़ी सारे फ़ोन में ये ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप दो दो व्हाट्सएप, दो दो फेसबुक एक ही स्मार्टफोन में चला सकते हैं, लेकिन पता नहीं इस स्मार्टफोन में ये ऑप्शन तो है नहीं। और हो सकता है ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड है, तो मुझे लगता है आने वाला जो अपडेट है ओरियो उसमें ये ऑप्शन डेफिनेटली देना चाहिए। और ये आजकल जितने भी आप स्मार्टफोन देख लीजिए, आईफोन एक यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, वो सारे स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। तो डुअल सिम सपोर्ट होने के बाद भी अगर आप दो व्हाट्सएप अगर नहीं चला पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी कमी हो जाती है। अभी इस कमी को पूरा करने के लिए अगेन आप चाहे तो प्ले स्टोर से आप पैरेलल स्पेस बोल के ऐप है उसे यूज़ कर सकते हैं, और उसे आपको मैंने यूज़ भी किया दोस्तों, लेकिन काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स करता है वो पैरेलल स्पेस। और दूसरा अगेन दोस्तों, जैसे ही उसे मैं ओपन करता हूँ एक ऐड सामने आ जाता है और वो कहीं ना कहीं डेटा भी कंज्यूम करता है, तो काफ़ी इरीटेट हो जाता है। तो ये एक मुझे कमी यहाँ पे लगी। दोस्तों, यहाँ पे जो सातवां प्रॉब्लम वो है इसके कैमरा बम्प को लेकर। अभी यहाँ पे पता नहीं दोस्तों, इतना बाहर निकला हुआ है इसका ये कैमरा और ओवरऑल डिज़ाइन तो अच्छा है, डिज़ाइन के मामले में तो हम कंप्लेन कर ही नहीं सकते, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। लेकिन इसके वजह से होता है क्या दोस्तों, मुझे कम से कम 7 से 8 बैक कवर ट्राई करना पड़ा इससे पहले मुझे कोई ऐसा कवर मिल सके जो इसके इस जो कैमरा जो बाहर निकला इसको इसको प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि अगर आप इसे इस तरह इसे सरफेस पे लगाएंगे तो हो सकता है इसके लेंस के ऊपर आपको स्क्रैच आए, और अगर एक बार लेंस के ऊपर स्क्रैच आ गया तो आपको पता है किस तरह के फोटोज़ इससे आएंगे। तो एक कवर मैंने इसके लिए मंगाया और काफ़ी अच्छा कवर है, इसे अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उसका भी मैंने अलग से रिव्यू बनाया, तो वो कवर का भी वीडियो जो है
वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा उस वीडियो का लिंक। दोस्तों ये तो थे 7 इशू, यहाँ पे मैं और दो चीज ऐड करने वाला हूँ, मैं इसे एकदम इशूज तो नहीं कहता हूँ। अभी जो 8वां है दोस्तों वो है इसका मोटो डिम्पल। अभी दोस्तों पहले के मोटरोला के स्मार्टफोन ये मोटो डिम्पल के लिए काफी फेमस थे, तो पता नहीं धीरे धीरे ये जो डिम्पल है यहाँ से निकलता जा रहा है। अगर आप मोटरोला के अगर फैन से तो आप एक इमोशनल अटैचमेंट है उस डिम्पल के साथ। अगर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत ही स्लाइटली डिम्पल दिया है, मतलब एकदम डिम्पल भी नहीं कह सकते, बहुत ही स्लाइट। ओके, तो वो पहला जिस तरह का डिम्पल आता था मोटरोला के स्मार्टफोन में, अब वैसा डिम्पल आ नहीं रहा है। मुझे पता नहीं है लिनोवो ने क्यों ये ऐसा काम किया, मतलब जो चीज फोन में अच्छी है उसे रखना चाहिए इनफैक्ट, लेकिन यहाँ पे जो चीज अच्छी है उसे वो लिनोवो निकाल रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले फोन्स में उस डिम्पल को वापस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपना एक फील गुड फैक्टर देता है। और जब भी आप फोन यूज करते हैं उस डिम्पल पे इस तरह फिंगर अपना इंडेक्स फिंगर रखे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस वो देता है। तो पता नहीं ये मोटरोला या फिर हम कह सकते हैं लिनोवो इस डिम्पल को यहाँ से स्किप कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो 9th पॉइंट है वो है इसके अपडेट को और सर्विस को लेके। अभी अपडेट का भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा पंगा है, क्योंकि जब से मोटोरोला एक ऐसी कंपनी जो हमेशा से अपने अपडेट के लिए जाना जाता है, मतलब कोई भी अपडेट आप ले लीजिए, भले ही वो सिक्योरिटी पैच हो या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो, ये सारे अपडेट में मोटोरोला पहले सबसे आगे रहता था। लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं ये जो अपडेट के मामले बहुत ही लेजी हो चुके हैं, और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये इंटरेस्टेड है अपडेट देने में। और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अब मोटरोला जो है लिनोवो के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं लिनोवो जो है जो मोटरोला के ब्रांड नेम को यूज़ कर रहा है, लेकिन जिस तरह का सर्विस मोटरोला पहले देता था उस तरह का सर्विस अब लिनोवो मोटरोला के स्मार्टफोन के ऊपर दे नहीं रहा है। तो अपने अपडेट्स के ऊपर मुझे डेफिनेटली मोटरोला या फिर लिनोवो को काम करना चाहिए। जब ये स्मार्टफोन मैंने खरीदा तो इसमें जो सिक्योरिटी पैच था वो जून का था, और अब जाके नवंबर में अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच आया है इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच आएगा नहीं आएगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है। ओरियो अपडेट भी इसमें आना भी पेंडिंग है, कब आएगा उसके बारे भी कोई कंफर्म डेट नहीं है। अगर आप जाके मोटरोला के ट्विटर अकाउंट में आप उनसे पूछिए या फिर फेसबुक में जाके उनसे पूछिए, किसी भी तरह का कोई भी कंफर्मेशन वो दे नहीं रहे, बस इतना कह रहे हैं कि आप वेट करिए। आप कितना वेट करना है इसका कोई भी आइडिया नहीं है। और यहाँ पे एक और एक पॉइंट ये था इनकी सर्विस, तो अभी लिनोवो की खुद की सर्विस बहुत ही खराब है दोस्तों। तो अब होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो लिनोवो की जो पुअर सर्विस है वो मोटरोला की सर्विस को भी इम्पैक्ट करेगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो लिनोवो अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी सर्विस मतलब बुरी सर्विस दे और मोटरोला के सर्विस अच्छी रखे। अब जैसे कि जो काम ये अभी फिलहाल अपडेट के ऊपर कर रहे हैं, जैसे कि टाइम को अपडेट देते नहीं है और जो भी बग्स है उसे फिक्स करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे भी इम्पैक्ट करने वाला है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मोटरोला को और लिनोवो को अपने सर्विस और अपडेट के ऊपर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पे अब मैं 3 प्रॉब्लम ऐसे बताऊंगा जो इसके कैमरा को रिलेटेड है। तो सबसे पहले उसमें इसका शटर लैग, जब भी आप फोटो खींचेंगे थोड़ा टाइम लेता है, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इसने कुछ सेकंड लिया फोटो खींचने के लिए, ये लैग पहले बहुत ही ज़्यादा था लेकिन अब थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि 2-3 अपडेट आया है इसमें इसके कैमरा को लेके, तो उसे मैंने अपडेट कर लिया है। इसके अलावा जब आप पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो खींचेंगे जहाँ पे बैकग्राउंड डीफोकस हो जाता है, तो यहाँ पे भी आप देखिए थोड़ा ये टाइम लेता, तो ये इसका पहला प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मोटरोला को इसे फिक्स करना चाहिए और काम इस पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी थोड़ा बहुत लैग करता है। यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है इसके फोटोज़ में येलो टिंट। तो ये पता नहीं दोस्तों ये फोटो में येलो टिंट छोड़ दे जब भी आप इसमें फ्लैश यूज़ करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने अभी फोटो खींचा है, तो अभी आप ये फोटो को देखिए, यहाँ पे अभी पूरा पार्ट आप देखेंगे बिल्कुल येलो हो चुका है। यहाँ पे ऊपर तो नॉर्मल है लेकिन यहाँ नीचे बिल्कुल येलो हो चुका है। दोस्तों ये जो इश्यूज, दोनों इश्यूज मैंने आपको जो बताए दोस्तों, इसके ऊपर आप बहुत सारे कस्टमर्स ने कंप्लेन किया मोटरोला को, आप उनके फोरम में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस इशू को फिक्स किया नहीं गया। और ये जो येलो टिंट का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कभी कभी डे लाइट में भी इशू क्रिएट करता है। तो हमेशा तो करता नहीं है डे लाइट में, लेकिन कभी कभी डे लाइट में भी इशू करता है, या फिर आप आर्टिफिशियल लाइट में जब आप फोटो ले रहे हैं तब भी ये येलो टिंट का प्रॉब्लम यहाँ पे करता ही करता है। फ्लैश में तो हमेशा ये प्रॉब्लम करता ही है,
तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब और अच्छा लगता नहीं दोस्तों कि मतलब अगर आपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जब आप फोटो एक ग्रुप फोटो लेते हैं और सबकी शक्ल में ये इस तरह का येलो कलर का पैच आता है तो उतना अच्छा लगता नहीं है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली मोटरोला को काम करना चाहिए। और यहाँ पे जो तीसरा प्रॉब्लम है दोस्तों वो है ओवर प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। अभी इसे मैं आप कोशिश करता हूँ आपको ठीक से समझाने की। तो यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो लेके बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो जब ये फोटो खींचता है बहुत ही शार्प फोटो खींचता है, लेकिन जैसे ही मैं इसे फोटो को व्यू करूंगा ये उसे ओवर प्रोसेसिंग कर देता है। तो मैं यहाँ पे इसे कोशिश करता हूँ दिखाने की, तो आप ध्यान से देखिए जैसे ही मैं इस फोटो को स्वाइप करता हूँ देखिए इसने प्रोसेसिंग इसे कर दिया। तो फोटो तो अच्छे शार्प लेता है लेकिन उसे ओवर प्रोसेसिंग कर देता है। तो दोबारा एक बार मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही मैं फोटो को व्यू करूंगा तो आप देखेंगे कैसे वो चेंज होता है। देखिए चेंज हो गया। अभी मुझे पता नहीं है दोस्तों कि आप इसमें इस वक्त कैमरा में देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए वो बहुत ही शार्प फोटो दिखाता है फिर उसे फोटो को सॉफ्ट कर देता है। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है इसके कैमरा के साथ। तो ये तो दोस्तों कुछ कमियां स्मार्टफोन के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीडियो के जरिए। और इनमें से कुछ इशू हो सकता है आपको बिल्कुल भी इफेक्ट ना करें और कुछ इशू हो सकता है आपको डेफिनेटली इफेक्ट कर रहे होंगे। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है इसके अलावा जो आपने एक्सपीरियंस किया है मोटो G5S Plus में तो उसे आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे कमियों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपको इस स्मार्टफोन को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये सारे इनमें कमियां हैं जिसे आपको हो सकता है कि फेस करना पड़े जब आप इस स्मार्टफोन का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्या विचार है दोस्तों इस फ़ोन के बारे में, इस वीडियो के बारे में, ज़रूर आप उसे लेकर कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपको लगा है हेल्पफुल लगा है पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।